सो नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट में आखिर हमें क्या करना चाहिए, सिप करें या फिर लमसम करें? क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर जिनका इक्विटी या फिर इक्विटी के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट है, डेब सिक्योरिटीज में भी है, उनका भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहा है। ऑलमोस्ट 50% तक मार्केट डाउन गया है, जो ऑलरेडी जिनका पोर्टफोलियो बना हुआ था, यानी कि एक महीने पहले जिनका पोर्टफोलियो जिस तरह का था, अगर उन्होंने किसी तरह के चेंजेस नहीं किए होंगे तो ऑलमोस्ट उनको -50% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मार्केट डाउन जा रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस, ड्यू टू ग्लोबल क्राइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे समझना ये है कि आखिर हमें किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए अपना पैसा और कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हैं, एक तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, एक डेब्ट सिक्योरिटीज़ है, मनी मार्केट है, और तीसरा हम लोगों के पास एक फिक्स्ड इंटरेस्ट जो हमें मिलता है, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, या फिर गवर्नमेंट की जो भी स्कीम चल रही है, मंथली इनकम स्कीम वगैरह वगैरह पोस्ट ऑफिस में है। तो आखिर हमारे लिए इस समय के सिनारियो से कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? तो देखिए, जो मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए और जो मैं कैरी कर रहा हूँ इस प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन में, प्रेजेंट ग्लोबल क्राइसिस में, वो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ शेयर मार्केट में डायरेक्टली और म्यूचुअल फंड में भी। ठीक है, मेरा ज़्यादा झुकाव शेयर मार्केट की तरफ है, उसकी वोलेटिलिटी को मैं ध्यान में रख करके अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ सिप के माध्यम से। सिप क्या होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग हैं तो सिप को अच्छे समझते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में सिप का, तो वो होता है रिकरिंग इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप लोग अपना एकमुश्त पैसा ना लगा करके अपने पैसों को टुकड़ों में करके हर दिन या फिर हर हफ्ते निवेश कर रहे हैं एज अकॉर्डिंग टू सिनारियो कि आप लोगों के लिए बेस्ट अंडर वैल्यू स्टॉक कौन सा है, ये स्ट्रैटेजी किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से बेनिफिट हो सकता है म्यूचुअल फंड में भी और इवन स्टॉक मार्केट में भी। और साथ में दोस्तों, जो लोग एकदम बिल्कुल सिक्योर रिटर्न चाहते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो ये वीडियो ना देखें, वो रिकरिंग डिपॉजिट के साथ जाएं, पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक के जो भी ऑप्शंस हैं डिपॉजिट्स के, उसमें आप लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक अच्छा रिटर्न निकालना चाहते हैं, इवन आने वाले कुछ महीनों या फिर सालों में ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा का रिटर्न चाहते हैं, ये तो मैं कम बोल रहा हूँ, आप लोगों को 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न निकल सकता है अगर ये मार्केट सिनेरियो खत्म होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। आप देख रहे हैं द इनर ट्रिबर चैनल और मैं हूँ रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इनर ट्रिबर चैनल में स्वागत करता हूँ। वीडियो को शेयर करके दूसरों को जरूर बताइएगा। सबसे पहले दोस्तों, तो मैं सिप कह क्यों रहा हूँ, देखिए इस समय मार्केट की वॉलीटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, हर दिन मार्केट वॉलीटाइल हो रहा है, कभी मार्केट काफ़ी अच्छे से बढ़ जा रहा है, कभी मार्केट 10% से भी ज़्यादा डाउन चल रहा है, दो बार लोअर सर्किट लग चुका है, यानी कि दो बार मार्केट पे हॉल्ट लग चुका है, एक बार निफ्टी की वजह से, एक बार सेंसेक्स की वजह से। ठीक है, तो ये इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि मार्केट एक दिन में 10% से ज़्यादा डाउनफॉल जा रहा है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप लोगों को एक पॉजिटिव न्यूज़ मिली, आप लोगों ने रिलायंस के स्टॉक देखे, SDFC के देखे, यानी कि जो भी लार्ज कैप के स्टॉक थे जो निफ्टी 50 में लिस्टेड थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया केवल वन डे में। अगर आप रिलायंस को ही देख लें तो ऑलमोस्ट उसने 20% से ज़्यादा का गेन किया एक दिन में। तो ये सब कुछ हो कैसे रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि स्टॉक अपनी वैल्यू पे तो है, लेकिन क्राइसिस की वजह से उनमें सेलिंग काफी ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप लोग सिप का माध्यम लेकर के चलते हैं, रिकरिंग इन्वेस्टमेंट का माध्यम लेकर के चलते हैं, तो आप लोग हर दिन एक अच्छा अंडर वैल्यूड स्टॉक की प्राइस पाएंगे। जैसे कि रिलायंस को अगर आप लोग कुछ हफ्ते पहले खरीदते तो आप लोगों को 1000 रुपये मिलता, अगर आप लोग परसों खरीदते तो आप लोगों को 900 के आसपास मिलता, अगर वहीं पे आप लोग पूरा 1,00,000 रुपये मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करना होता आप लोगों को, तो आप लोगों को 100 स्टॉक मिलते, लेकिन वहीं पे आप लोगों ने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, 50,000 रुपये उसमें इन्वेस्टमेंट किया, फिर 50,000 आप लोगों ने कुछ दिन बाद किया, तो आप लोगों को एक एवरेज वैल्यू भी मिल रही है प्लस स्टॉक्स की वैल्यू मिल रही है, क्योंकि काफी ज्यादा मार्केट वोलेटाइल और हमें इसका फायदा लेना है। ठीक है, हमें लालची नहीं बनना है, हमें स्टॉक्स को अंडर वैल्यूड करना है। ठीक है, हमें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना है। अगर हम लॉन्ग टर्म का देख रहे हैं तो देखिए, कई सारे ऐसे जो डिविडेंड स्टॉक है जो काफ़ी अच्छा अपना पोटेंशियल रखते हैं आप लोगों को डिविडेंड देने का प्लस ग्रोथ करने का, आज उनकी वैल्यू आप लोगों को काफ़ी अच्छी मिल रही है, 10-10 साल पहले भी वो इस तरह की वैल्यू लेकर के नहीं बैठे थे। तो आप लोग अगर अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं रिकरिंग इन्वेस्टमेंट के तहत, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा
वैल्यूड स्टॉक मिल सकता है। तो इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग रिकरिंग डिपॉजिट में भी ना निवेश करें और म्यूचुअल फंड में भी आप लोग उतना ज्यादा फोकस ना करें। आप लोग फोकस करिए डायरेक्टली शेयर मार्केट में, जिससे कि आप लोगों को एक अंडर वैल्यूड स्टॉक मिल पाए। और म्यूचुअल फंड में कौन लोग इन्वेस्टमेंट करें सिप के माध्यम से, वो लोग जिनको बिल्कुल निल नॉलेज है शेयर मार्केट की, यानी कि जिनको स्टॉक की प्राइजेस नहीं समझ में आती, अंडर वैल्यूड क्या होता है, वैल्यूड क्या होता है, वो चुपचाप अपना स्मॉल कैप या फिर मिड कैप या फिर कह लीजिए लार्ज कैप में कहूँ तो लार्ज कैप के भी काफ़ी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनकी एनएवी काफ़ी अच्छी आप लोगों को मिल रही है। तो एक अच्छा गेम लेकर के आप लोग चल सकते हैं आने वाले एक सालों के लिए। अगर मार्केट आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लगा तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप लोग पिछली हिस्ट्रीज को देखेंगे दोस्तों, जब भी मार्केट डाउन गया है वो अपने जब पीक पे पहुंचा है तो अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गया है, ठीक है। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप लोग मेरी स्ट्रेटेजी पे ना करें, लेकिन आप लोग इसके बारे में सोचें कि अगर आप लोगों के पास एकमुश्त पैसा है, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि भैया रिलायंस 1500 पे था, 1600 पे था, आज 900 पे है, 1000 रुपये पे है, तो चलो हमारे पास जो भी 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख पड़े हैं इसमें डाल देते हैं, लेकिन फिर अगले दिन वो 100 रुपये डाउन हो गए तो फिर यहाँ पे हम थोड़ा घबरा जाते हैं। इसलिए आप लोगों को रिकरिंग इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अब जैसे ही आप लोगों का कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, मार्केट को कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट मिला, ग्लोबल सपोर्ट मिला, तो मार्केट बूम कर जाएगा, स्टॉक बूम कर जाएंगे, फिर आप लोगों को अच्छा रिटर्न इवन 1 हफ्तों में, 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में, 1 सालों के अंदर अंदर आप लोगों को अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा एक स्मार्टली इन्वेस्टमेंट का मौसम है, आप लोग अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि लोग कोरोना वायरस को लेकर कह रहे हैं कि पैनिक नहीं होना है, पर सचेत रहना है कि हमें किस तरह से बचाव करने हैं, उसी तरह से हमें शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में भी निवेश करना है। हमें पैनिक नहीं होना है लॉस से, हमें अगर लॉस हो रहा है तो हम कोशिश करें कि उस लॉस को एवरेज कर सके, उस लॉस पे जो भी स्टॉक की प्राइस है उस पे भी कुछ यूनिट्स खरीद सके। कैसे खरीदेंगे, कुछ शेयर खरीद सके कैसे खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा रहेगा तभी। इसलिए आप लोग रिकरिंग इन्वेस्टमेंट करें, एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ना म्यूचुअल फंड में करें ना ही आप लोग शेयर मार्केट के किसी भी स्टॉक में करें। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को ये एक आइडिया मिल चुका है कि आप लोग क्या करेंगे और मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो, आप लोगों की कोई स्ट्रेटजी हो, तो आप लोग मुझे नीचे शेयर कर सकते हैं, मैं आप लोगों की बात लोगों तक पहुंचाऊंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।